नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ही यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर अकेडमी पर। प्यारे बच्चों, आप सभी को जानकर बड़े खुशी होगी कि यूपी कैटेट एग्जाम के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विद्यार्थी सभी लोग जानते हैं कि उनका पेपर 16 जून को होना प्रस्तावित है और इसके लिए वो विद्यार्थी जी तोड़ के मेहनत भी कर रहे हैं, लगातार अच्छे से अच्छे तैयारी भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद नहीं बल्कि पूरी आशा है कि आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी, किसी कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, सब लोग जी तोड़ के अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और उनका पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगी, ऐसी मेरी भगवान से कामना है और मैं भगवान से प्रे करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यूपी कैडेट के द्वारा क्या एग्जाम की जबरदस्त लेटेस्ट अपडेट आई है, जानकारी करेंगे इस वीडियो में। बात करें हम कि जो यूपी कैडेट एग्जाम है ये कब होना है, 16 जून की तारीख निश्चित की गई है ना। अब जो एडमिट कार्ड कब जारी होंगे ये बहुत चिंता वाली बात है। मतलब विद्यार्थी उनका मन सोचना होता है ना कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, कब परीक्षा होगी। लेकिन ध्यान रहे, आप तैयारी पर पूरा फोकस करिएगा, है ना, तैयारी पूरा फोकस करिएगा। एडमिट कार्ड जो जारी होंगे आपके, एडमिट कार्ड जो है पूरी संभावना है कि कल आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं 1 जून को। 1 जून से लेकर के 5 जून तक आपके एडमिट कार्ड 100% आ जाएंगे, चाहे यूजी पीजी सभी के एडमिट कार्ड जो हैं 1 जून से लेकर के 5 जून के बीच में किसी भी दिन आ सकते हैं। हो सकता कल ही आ जाए, हो सकता परसों ही आ जाए, है ना। तो एडमिट कार्ड नो डाउट 1 से 5 जून तक आपके एडमिट कार्ड 100% आ जाएंगे। लेकिन बड़ी बात क्या कि आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। और दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी सुपर कॉम्बो बैच यूट्यूब पर लॉन्च किया है बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं है, तो आपको उस बैच को जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, बात करें कि आवेदन फॉर्म कितने यहां पे अप्लाई हुए हैं, तो पीजी कैटेगरी में 6,700 कुल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो कुल मिला के 6,700 फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, ठीक है। और यूजी कैटेगरी बात करेंगे 18,468 टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुआ है, 18,468 यूजी लेवल, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के एग्जाम में। यहाँ पे कंपटीशन का लेवल बहुत ही ज्यादा है, आप समझ सकते हो कंपटीशन का लेवल यहाँ पे कितना ज्यादा है। पीजी में इतना है नहीं, और पीएचडी कैटेगरी में बात की जाए वहां तो केवल ज्यादा नहीं 350 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो जो हमारा कंपटीशन है वो यूजी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों से है और एक बेहतरीन कंपटीशन है। इस कंपटीशन से पार पाने के लिए आपको जबरदस्त तैयारी करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाना है। और हमारे ही अपने यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर अकेडमी पर 550+ वीडियो में दे चुका हूं, उनमें कोई वीडियो आप देख सकते हैं। साथ ही सुपर कॉम्बो बैच हमने जारी किया है, अभी 3 क्लास है, उसकी तीसरी क्लास आज शाम 8 बजे चालू होगी। तो कुल मिला के 15 से 20 क्लासेस आपको हम देने वाले हैं। इन क्लासेस को आप अच्छे से देख करके जाएंगे, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, ठीक है। तो बढ़िया तैयारी करना, 18,467 अभ्यर्थियों ने जो पेपर फॉर्म को अप्लाई किया है। अच्छा, बात करें कि पेपर कैसा आएगा, पेपर इस बार का जो आएगा, जो बांदा यूनिवर्सिटी कराएगी, पेपर कैसा आएगा। तो गाइज, पेपर रहेगा इजी टू मॉडरेट, मतलब जो भी पेपर का पैटर्न होगा वो सिंपल से मध्यम वर्ग का पेपर होगा, ज्यादा कठिन भी नहीं, ज्यादा सिंपल भी नहीं होगा, है ना, ज्यादा कठिन नहीं, ज्यादा सिंपल नहीं, एक एवरेज पेपर आएगा आपके बीच में। तो बहुत अच्छा पेपर आने वाला है। और 1 से 5 जून, 1 से लेकर के 5 जून के किसी भी मध्य में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और शाम के 5 बजे के बाद ही एडमिट कार्ड आपका आएगा, है ना। एग्जाम सेंटर आपके जो भी होंगे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात है कि जो ये कम टाइम बचा है, जनरली 15 दिन का टाइम जो हमारे पास बचा है, इस टाइम को हम कैसे ऑप्टिमम यूज करें ताकि सफलता की हर एक दहलीज तक अच्छे से हम पहुंच सकें, अच्छी रैंक ला सकें। सो गाइज, ये 15 दिन आप सारा काम भूल जाइएगा, घर वालों से कह दो कि 15 दिन हमें केवल पढ़ाई के लिए चाहिए, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, नई चीजें सीखने का प्रयास बहुत कम करिए और जो पुरानी चीजें उनको आप अच्छे से रिवाइज करिए और की पॉइंट जो क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, उनको आप
ज्यादा याद करिए, फालतू वाले क्वेश्चन थोड़ा कम पढ़िए, ठीक है ना। अच्छा, नई चीज जो सीख सको वही सीखना, प्रेशर मत देना अपने आप को, है ना। पेपर बढ़िया पेपर आने वाला है, आप लोग अच्छे से तैयारी करो 15 दिन जी लगा करके। और हमारे अपने YouTube चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी पर जो भी क्लासेस चलते हैं उन क्लासेस को डेली आप लाइव आकर देखिया करें, देखा करें अच्छे से। कोई अच्छा क्वेश्चन है तो उसका नोट भी बना लें, क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी पर, साथ ही साथ मन लगा के तैयारी करो। 15 दिन में आपने अगर अच्छे से मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, और इन 15 दिन में अगर आपने आराम को सोचा तो आपकी रैंक बहुत ज्यादा खराब भी आ सकती है। इसलिए इन बचे समय में आप अच्छे से तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए, है ना, ताकि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए और आपको सिलेक्शन मिल सके। तो देख सकते हो आप 18,468 फॉर्म अप्लाई हुआ है बीएससी एजी यूजी कैटेगरी के लिए, पीजी में 6,700, पीएचडी में वही 350 फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो कंपटीशन बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है, इस कंपटीशन को पार पाने के लिए आप जबरदस्त मेहनत करिए, बढ़िया मेहनत करिए, दिल लगा के पढ़ाई करिए, दिन रात एक कर दो, है ना। 15 दिन का टाइम है, ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। तो गाइज ये थी बड़ी अपडेट, मैंने सोचा जरूरी बात है आपको बताना, इसीलिए वीडियो बना के लाया हूँ आपके बीच में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो गाइज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया यार वीडियो को लाइक कर लो, है ना, और शेयर कर दो ताकि आपके साथी को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके कि अब एडमिट कार्ड 1 जून से लेकर 5 जून तक कोई भी दिन आ सकते हैं। पेपर ज्यादा कठिन आएगा नहीं क्योंकि बांदा यूनिवर्सिटी ने एक बार पेपर हार्ड बना दिया था, आउट ऑफ सिलेबस बनाया था, इस कारण बांदा यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं डरी हुई और सहमी है। इस बार पेपर दबाव है उसके ऊपर, अच्छा पेपर बनाएगी ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी उसको प्रेशराइज ना कर सके। अच्छा पेपर आएगा नो डाउट, चिंता ना करें, ठीक है ना। तो आप लोग डेली जो क्लासेस चलती हैं उन क्लासेस के बारे में आप लोग अच्छे से क्लास देखिए, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट कर देना, हैं। अगर एक बात और है, अगर आप किसी भी कोई विषय आप कमजोर है उसकी अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता देंगे, हम उसकी क्लास आपको अलग से दे देंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में यार यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। आई होप वीडियो पसंद आएगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।